सेक्स की इच्छा कम क्यों होती है? या काफी पुरुष लोग बोलते हैं कि मैं मेरी पत्नी की इच्छा नहीं होती है, बहुत जबरदस्ती करनी पड़ती है, मनाना पड़ता है, तो उसके लिए क्या करें? यूजुअली ये लोग बोलते हैं, महिलाएं ही बोलते हैं हमारे इसमें कि नहीं नहीं अभी तो क्या बच्चे हो गए, अभी तो उम्र 35 की 40 की हो गई, अभी क्या इतना सेक्स करना है, ऐसे भी डायलॉग्स सुने आते हैं। तो इसके बारे में मैं आज बात करने वाला हूँ, हाइपोएक्टिव सेक्सुअल डिजायर डिसऑर्डर HASDD के बारे में, और उसके साथ साथ मेनोपॉज़, मतलब जब महामारी बंद होती है, मेंस्ट्रुएशन बंद हो जाता है, उस समय में ऐसा ही होता है कि भाई सेक्स की इच्छा नहीं होती है, लो सेक्स ड्राइव होता है, तो उसके बारे में बात करेंगे। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक गयकर, मैं मनोविकार सेक्स रोग सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ, महाराष्ट्र में पिछले 40 साल से अकोला में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। लो सेक्स ड्राइव मतलब सेक्स की इच्छा नहीं होना, एक तो ये बहुत ही कॉमनली मेनोपॉज के समय होता है, और वैसे ही आमतौर पर औरतों को 6-26% औरतों को लो सेक्स ड्राइव होता है, मतलब इच्छा नहीं होती, कामुकता नहीं होती या सेक्स करने की इच्छा नहीं होती, 6-26%। और यह आंकड़ा बहुत ज्यादा होता है जब वो मेनोपॉज अटेंड करती है, मतलब महावारी अटेंड करती है। यूजुअली वो पीरियड जो है महावारी अटेंड करने का वो 45-55 या 40-50 ऐसा रहता है उम्र का। दुनिया में 800 करोड़ की पॉपुलेशन है, आबादी है, 50% महिलाएं हैं। अभी यूएसए में, यूनाइटेड स्टेट्स में 2020 के जो आंकड़े हैं उसमें ये मालूम पड़ा है कि 51 साल के ऊपर 5 करोड़ महिलाएं हैं, 51 साल के ऊपर 5 करोड़ महिलाएं हैं, और यूनाइटेड स्टेट्स में मतलब अमेरिका में 20 लाख प्रतिवर्ष महिलाएं 51 मतलब 50 साल के ऊपर उनकी उम्र हो जाती है और वो मेनोपॉज अटेंड करती है, 20 लाख हर साल। और ये दुनिया में आंकड़ा जो है ये 60 लाख का है कि 60 लाख महिलाएं हर साल मेनोपॉजल एज में जाती है या मेनोपॉज उनको होता है। अभी आंकड़े 2020 के हैं, स्टैटिस्टिकली ये आंकड़े बहुत ज़्यादा है अभी 2023 में। तो मेनोपॉज में उनकी इच्छा कम होती है, मेनोपॉज जैसा शुरू हो जाता है वो कुछ कुछ महिलाओं को 40 साल 41 साल की उम्र में मेनोपॉज के लक्षण शुरू हो जाते हैं, धीरे 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 मेंस्ट्रुएशन कम हो जाता है, महावारी कम हो जाती है, और 50 साल तक वो पूरी बंद हो जाती है। कुछ महिलाओं को 40-41 साल में चालू होते, 45 साल में बंद हो जाते हैं, कुछ महिलाओं को 45 साल शुरू होती है, 50 साल में बंद होती है। ज़्यादातर महिलाएं 45 और 55 के बीच में हैं कि जब मेनोपॉज होता है और उनकी महावारी धीरे धीरे बंद हो जाती है। अब जब महावारी बंद होती है तो उस समय क्या क्या होता है कि उस समय हार्मोनल चेंजेस बहुत ज़्यादा होते हैं। महावारी जब बंद होती है, मेनोपॉज जब आता है, तो सेक्स ड्राइव लो होता है। सेक्स ड्राइव क्यों लो होता है? क्योंकि टेस्टोस्टेरोन की लेवल्स कम होती है, ऐसे कुछ स्टडीज बताती है। टेस्टोस्टेरोन जो सेक्स हार्मोन है, मेल सेक्स हार्मोन, वो फीमेल में भी रहता है और उसकी लेवल कम होती है, ऐसे कुछ स्टडीज बताती है। पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन की लेवल जो है, सीरम टेस्टोस्टेरोन की लेवल, वो 270 से लेके 1000 नैनोग्राम पर डेसीलीटर है, पर डीएल है। वो ये नॉर्मल औरत में 15-70 नैनोग्राम्स पर डेसीलीटर है, डीएल है, ये नॉर्मल वैल्यूज है। मगर अभी इससे बहुत कम टेस्टोस्टेरोन का निर्माण मेनोपॉज जब अचीव करते तो होता है, और वो एक कारण बताया जाता है कि उनका लो सेक्स ड्राइव होता है करके। लो सेक्स ड्राइव जब होता है तो उसके अलग अलग कारण हो सकते हैं कि एक तो टेस्टोस्टेरोन कम है, वैसे ही वजाना ड्राई होता है, यूनिट ड्राई हो जाती है, सूखती है, तो उससे भी सेक्स ड्राइव कम होता है, क्योंकि दर्द होता है फिर उस समय सेक्स करने के समय। कुछ दवाइयाँ यदि खा रही है महिला तो उसमें भी ड्राइनेस ऑफ वजाना होता है, इन्फेक्शन से ड्राइनेस ऑफ वजाना होता है, कुछ अंडरलाइंग बीमारी है तो होता है, तान तनाव है, स्ट्रेस है, या आपस में पति पत्नी की दूरी है उसमें भी सेक्स ड्राइव कम हो जाता है। तो बहुत सारे कारण है, मगर उसमें टेस्टोस्टेरोन एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है। तो फिर स्टडीज में निकल के आया कि भाई टेस्टोस्टेरोन महिलाओं को देवे तो उनका सेक्स ड्राइव अच्छा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, और वो सेक्स अच्छा एंजॉय कर सकेंगे और पुरुष को भी समाधान मिलेगा। क्योंकि बहुत सारे पुरुषों का ऐसा है कि भाई 45 साल की उनकी पत्नी हो गई तो उनको बहुत मनाना पड़ता है सेक्स करने के लिए, तैयार नहीं होती है, उनकी इच्छा होती है, फिर वो कुछ कारण देंगे कि पीठ दर्द कर रहा है, थक गई है, इच्छा नहीं है, दर्द होता है, वगैरह वगैरह। तो फिर उसमें टेस्टोस्टेरोन दिया तो अच्छा रहेगा, टेस्टोस्टेरोन के पैचेस मिलते हैं, क्रीम्स मिलते हैं, ऑइंटमेंट्स मिलते हैं, तो लगा दिया तो उसमें टेस्टोस्टेरोन की लेवल बढ़ जाएगी और उनको सेक्स करने की इच्छा होगी। मगर अभी टेस्टोस्टेरोन कुछ महिलाओं में देना नहीं है, जिनको हार्ट प्रॉब्लम है, दिल की शिकायत है, या ब्लड वेसल्स की प्रॉब्लम है, लीवर डिसीज है, ब्रेस्ट कैंसर, यूटेराइन कैंसर,
ऐसे यदि बीमारियां ऐसी हैं तो उनको टेस्टोस्टेरोन देना नहीं है। टेस्टोस्टेरोन बाहर से देने से नहीं चाहिए, वहाँ हेयर ग्रोथ होगा, मतलब चेहरे पे ग्रोथ हो जाता है, बाल आते हैं, आवाज मोटा हो जाता है पुरुष जैसा, स्त्री का वजन बढ़ जाता है, चेहरे के ऊपर पिंपल्स या एक्ने आती है, तो ऐसे उसके साइड इफेक्ट्स भी होते रहते हैं। मगर टेस्टोस्टेरोन वर्थ ट्राइंग है, और टेस्टोस्टेरोन लेते हैं पैचेस के, क्रीम्स के, ऑइंटमेंट्स के रूप में, तो डेफिनेटली सेक्स ड्राइव में फ़ायदा हो सकता है। अभी इतना ही, टेस्टोस्टेरोन वर्थ ट्राइंग है, और डेफिनेटली देखें आपकी क्या राय है, आपको कितना फ़ायदा हुआ, आपके पति पत्नी के संबंध कैसे हो गए, सेक्स ड्राइव में कितना फ़ायदा हो गया, जरूर आपके कॉमेंट्स में डालिएगा। वीडियो आपको अच्छा लगा तो जो लोगों को शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, थैंक यू वेरी मच। सेक्स समस्याओं के बारे में मेरे काफ़ी सारे वीडियोस हैं, उसका हमने एक ऑनलाइन वीडियो रिकॉर्डिंग करके वर्कशॉप एक कोर्स बनाया हुआ है, वो कोर्स जो है ऑनलाइन कोर्स, उसमें करीब करीब 60 वीडियोस हैं, और उसमें हिप्नोटिज्म की भी है कि हिप्नोटिज्म के माध्यम से नपुंसकत्व, शीघ्र पतन ये कैसे ठीक करना, और काफ़ी सारी सेक्स समस्याओं के बारे में जानकारी दी हुई है। वो समस्याओं की जानकारी से आपकी सभी सेक्स समस्याओं का समाधान हो सकता है। तो ये आप ऑनलाइन रिकॉर्डिंग कोर्स जो है, तो ये ऑनलाइन रिकॉर्डेड कोर्स आप हमारे ऐप से ले सकते हैं, उसका डिस्क्रिप्शन नीचे दिया हुआ है, लिंक दी हुई है ऐप की। और वैसे ही आप टेलीग्राम ग्रुप से आप यदि जुड़ जाते हैं, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाते हैं, या वेबसाइट से, तो आपको ये ऑनलाइन कोर्स के बारे में जानकारी हो जाएगी। ये ऑनलाइन कोर्स करके आपके सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। आप नीचे जो नंबर दिए उसके ऊपर भी कॉल करके वो ऑनलाइन कोर्स खरीद सकते हैं। इंस्टामोजू की भी लिंक दी हुई है, उसमें आप डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।